आज के टाइम पर हर देश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, उसे वर्ल्ड की बेस्ट एयरफोर्स बनाने पर जोर दे रहा है, अपनी एयरफोर्स में वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट को शामिल करना चाहता है। जहां पर इंडिया में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे 5- और 5 जनरेशन के फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, वहीं पर कई और भी कंट्री है जो 5th जनरेशन से भी ऊपर 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रही है। हालांकि भारत का जो M-Mk2 होगा वो भी 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, पर इसे अभी बनने में 2 दशकों से भी ज्यादा का समय लगेगा। तो आज बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप 7 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। इन एयरक्राफ्ट की पोजीशन के नंबर को उनकी फर्स्ट फ्लाइट के अकॉर्डिंग किया गया है, तो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है चाइना का J-28 फाइटर जेट। ये चाइना का पहला 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट की प्राइमरी यूजर चाइनीज एयरफोर्स होगी। ये एक फुल्ली स्टेल्थी और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसमें मोस्ट एडवांस और क्रूशियल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे पहले भी चाइना J-20, J-31 नाम से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना चुका है, जबकि J-28 चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2037 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 6 पर है टेम्पेस्ट फाइटर जेट। इस प्रोजेक्ट को UK, स्वीडन, इटली मिलकर बना रही हैं। इस प्रोजेक्ट को लीड UK कर रहा है। इसे मेनली रॉयल एयरफोर्स, स्वीडन एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी प्राइमरी यूजर भी यही कंट्री होगी। इसे BAE सिस्टम, रॉयल्स रॉय, लियोनार्डो ग्रुप और MBDA कंपनी मिलकर बना रही है। एक बार बन जाने पर इससे यूरोफाइटर टाइफून और ग्रीपेन फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा। 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर UK £2 बिलियन को खर्च करेगा। फिलहाल यह अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है और 2035 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 5 पर है फ्रांस का FCAS यानी फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को जर्मनी, स्पेन के साथ मिलकर फ्रांस लीड कर रहा है। ये एक बार तैयार हो जाने पर फ्रांस के राफेल, स्पेन के F-18 सुपर हॉर्नेट और ग्रीपेन के यूरोफाइटर टाइफून को रिप्लेस करेगा। इसे डसॉल्ट एविएशन, एयरबस, सैफ्रन, थेल्स, MBDA जैसी कंपनियां मिलकर बना रही है। इस फाइटर जेट की प्राइमरी यूजर फ्रेंच एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स होगी। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2030 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 4 पर है अमेरिका का FAXX। ये एक 6th जनरेशन का एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट होगा और साथ में ही इसमें मल्टी रोल की कैपेबिलिटी भी होगी। ये फाइटर जेट एयर कॉम्बैट, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, सरफेस वॉरफेयर और क्लोज एयर स्पॉट जैसे मिशन को परफॉर्म कर सकेगा, और इसमें सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी होगी। इसे मेनली अमेरिकन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। एक बार तैयार हो जाने पर इससे अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट को रिप्लेस किया जाएगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2028 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 3 पर है जापान का मित्सुबिशी FX। इसे F-3B कहा जा रहा है। ये एक 6th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट होगा। जापान इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा और इससे मित्सुबिशी के F-2 को रिप्लेस किया जाएगा। ये एक एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट होगा। ऐसे लगभग 100 फाइटर जेट बनाए जाएंगे। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2020 से 2028 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 2 पर है रशिया का मिकोयन MiG-41। ये रशिया का एक हैवी वेट स्टेल्थी इंटरसेप्टर फाइटर जेट होगा। इससे मेनली रशिया के पुराने पड़ रहे MiG-31 को रिप्लेस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कोड IZD-41 है, जिसके चलते इसे MiG-41 भी कहा जा रहा है, पर यह इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। रशिया अपने फाइटर जेट का ऑफिशियल नेम तब अनाउंस करता है जब वो सर्विस में एंटर करने के लिए रेडी होता है। इसे मेनली रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, साथ ही ये सुपर क्रूज भी कर सकेगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2025 के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 1 पर है अमेरिका का NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट। इसे मेनली अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। इससे लॉकहीड मार्टिन के F-22 को रिप्लेस किया जाएगा और शायद F-35 को भी इससे रिप्लेस किया जाए। इसकी वन ऑफ द बेस्ट स्टेल्थी डिजाइन होगी और साथ ही
हाई एनर्जी लेजर वेपन से इसे लैस किया जाएगा। ये लेजर वेपन इतने पावरफुल होंगे कि किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को दो हिस्सों में भी काट सकेंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा रेंज होगी, काफ़ी ज़्यादा पेलोड को यह कैरी कर सकेगा और साथ ही किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरी करने के लिए भी कैपेबल होगा। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका ने इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट भी कर लिया है। तो ये थे दुनिया के 7 सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट। अगर आपको भारत के 6 जनरेशन प्रोग्राम के बारे में जानना है तो जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।